बैक टू माई चैनल। जैसे कि मैंने पहले कभी भी मेकअप का वीडियो नहीं किया है, पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमारे लिए एक मेकअप का वीडियो ज़रूर बनाना। सो उनके लिए स्पेशल आज मैं मेकअप का वीडियो बना रही हूँ। और मेकअप भी ऐसा बना रही हूँ जो क्विकली हो जाए, बस 10 मिनट्स में हो जाए, ऐसा मैं मेकअप कर रही हूँ। जैसे कि हमें फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना हो, कहीं हस्बैंड के साथ बाहर जाना हो, बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाना हो। सो ऐसा कई बार होता है कि हमें हमारे घर वाले या हमारे फ्रेंड्स हमें कॉल करते हैं और बुलाते हैं, बस 10 मिनट में आ जा। तो उसके लिए कैसा मेकअप होना चाहिए मैं आज मैं आपको सिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये मेकअप और ये वीडियो कैसा लगा है, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि मैंने कहा है कि बस 10 मिनट्स में क्विकली वाला ये मेकअप है, तो हमें ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ करूँगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए। सो पहले हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने यहाँ पे लिया है बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो। पहले आप अपना जो फेस है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करें। मैंने जैसा कहा है वो क्विक वाला मेकअप है, तो यहाँ पे हमें नो प्राइमर, नो कंसीलर, नो फाउंडेशन, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बस ओनली मॉइस्चराइज़र। हाँ, अगर आप अच्छा वाला जो मेकअप करते हो, जिसे हम आधा घंटा लगाते, एक घंटा लगाते, तो उसे प्राइमर ज़रूर, बेस जो पहला होता है उसे प्राइमर लगाना पड़ता है, पर मैंने यहाँ पे बस मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। सो देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ओरिफ्लेम का ये बहुत अच्छा वाला लिप बाम है जो मैं ये लगा रही हूँ। कभी भी हम जब मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हमें लिप बाम यूज करना चाहिए, ताकि हमारी लिपस्टिक जो है वो अच्छे से मर्ज हो जाए। देन आफ्टर लिप बाम हम लगाएंगे लैक्मे की सीसी क्रीम जो मेरे पास है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब भी हम सीसी क्रीम लगाते हैं तो हमें बिल्कुल ना कंसीलर की ज़रूरत है, ना फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, ना प्राइमर की ज़रूरत होती है, बस ओनली ये क्विक से लगा लो झटक से और हो गया। तो मैंने सीसी क्रीम लगाई है, आप देख सकते हो वो कितना अच्छा लग रहा है, बस ओनली सीसी क्रीम, और मैंने अभी तक बस मॉइस्चराइज़र लगाया है। तो उसके बाद मैं ये कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करी हूँ यहाँ पे। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक शेयर करूँगी आपके साथ। सो गाइज, मेरा बेस फाइनली तैयार है, मैंने बेस मेरा लगा लिया है। तो अभी हम जाते हैं आईब्रोज की तरफ। ऑब्वियसली मेरे आईब्रोज थोड़े थिन है, सो मैं उसको भी थिक करूँगी। और आईब्रो के लिए मैंने ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मेरी आईब्रो का जो शेड है वो है ब्राउन कलर, इसलिए मैं ब्राउन कलर की हमेशा आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ। आप अपने आईब्रोज के अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको फिल।
बस मैंने आईब्रो पेंसिल लगाया है और कितना अच्छा लग रहा है, बस इतने में ही हमारा मेकअप भी इनफ हो सकता है। पर हमें और थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए हम और हमारे आईज पे, लिप्स पे और थोड़ा चिक्स पे काम करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद आई मेकअप के लिए मैंने ये मेबेलिन का आई शेडो पैलेट लिया है, न्यूड वाले। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ऑल कलर्स आर न्यूड, तो ये यूज कर रही हूँ मैं। इसका मैं गोल्डन शेड यूज कर रही हूँ। बस लाइटली लगाना है। हमारा आई मेकअप जो है वो आई शेडो हमने लगाया है। उसके बाद काजल मैं मोस्टली लगाती नहीं हूँ, बट अगर कहीं जाना हो तो मैं ज़रूर लगाती हूँ कभी कभार। सो मैंने ओरिफ्लेम का काजल है मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यू कैन यूज ऑल्सो। काजल के बाद मैं लाइनर कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ, बस एक मस्कारा है, मस्कारा मैं थोड़ा सा लगाने वाली हूँ, वो भी ओरिफ्लेम का मस्कारा है मेरे पास। इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये लॉन्ग लास्टिक है, वाटरप्रूफ है। रेडी है, बस इतना ही हम आई पे लगाएंगे 10 मिनट्स में और क्या क्या करेंगे। सो उसके बाद मेरे पास मेबेलिन का एक ब्लशर पैलेट है, तो मैं ये फर्स्ट वाला यूज कर रही हूँ। मैं मेरी अभी उंगली से ही हाईलाइट कर रही हूँ। फाइनल टच लिपस्टिक। लिपस्टिक के बिना मेकअप कभी भी पूरा नहीं होता। सो मेरे पास है मेरी सबसे फेवरेट लिपस्टिक नायका की, ये न्यू लिपस्टिक है, यू कैन सी द शेड। ये शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं यही यूज करती हूँ हर टाइम बिकॉज ये न्यूड है। तो फ्रेंड्स मेरा 10 मिनट्स वाला मेकअप रेडी है, आप देख सकते हो मैंने हेयर बस ऐसे ओपन हेयर रख दिए हैं। आपको चाहिए वैसा आप हेयर स्टाइल कर सकते हो और आप प्लीज़ खुद भी इस मेकअप को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा है। और हाँ, मैं मेरे जितने भी आज मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं उनकी लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ एक बार लिंक देख लीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।